उर्दू के चाहने वालों को अब्दुल रऊफ सिद्दीकी का आदाब। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं शायर तो नहीं। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं शायर तो नहीं पॉडकास्ट के 50 एपिसोड पूरे हो गए हैं। इस सफर में मुझे बहुत सीखने को मिला। व्हाट अ रिवॉर्डिंग जर्नी इट हैज बीन। मैंने कई गलतियां भी की, कई बार तलफ्फुज़ ठीक नहीं रहा। मैं उर्दू का एक तालिबे इल्म हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी कोताहियों को नज़रअंदाज कर दिया होगा आपने। मुझे ख्याल आया कि मैं बेस्ट ऑफ सीज़न 1 बनाऊँ और चंद एपिसोड्स में मुख्तलिफ एपिसोड से लिए गए मेरे पसंदीदा अशार सुनाऊँ आपको। आप लोगों से बड़ा प्यार मिला। बड़ी खुशी होती थी जब भी आप लोग बताते थे कि आप इस उर्दू अदब के पॉडकास्ट का लुत्फ ले रहे हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। यू कैन रीच मी ऑन इंस्टाग्राम @urdu.ghazal। मेरा ईमेल है rauf3@yahoo.com और हमारी वेबसाइट है mstn.in। उसके ज़रिए भी रابطہ कायम कर सकते हैं। इस सफ़र की शुरुआत 20 सितंबर 2020 को हुई। पहला एपिसोड था मंजर भोपाली के ऊपर। मंजर साहब बेहतरीन शायर हैं। सारी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जहां उर्दू की महफिलें सजती हैं और जहां मंजर भोपाली को बड़े एहतराम से बुलाया न गया होगा। मुशायरों के महबूब मंजर साहब तकरीबन 40 बरस से बड़ी मियारी शायरी कर रहे हैं और हम सब का दिल जीत चुके हैं। इनको उर्दू और हिंदी दोनों जबानों पे बड़ा उबूर हासिल है। बड़ी मीठी सी बोली में बात करते हैं। मोहब्बत के शायर हैं और उनके तरन्नुम का क्या कहना। मुशायरे लूट लेते हैं अपने हसीन तरन्नुम से। मंजर साहब की एक बेहतरीन गजल सुनिए। जुल्फ़ रुख के साये में जिंदगी गुजारी है। जुल्फ़ रुख के साये में जिंदगी गुजारी है। धूप भी हमारी है, छांव भी हमारी है। गमगुसार चेहरों पर एतबार मत करना। गमगुसार चेहरों पर एतबार मत करना। शहर में सियासत के दोस्त भी शिकारी है। मोड़ लेने वाली है जिंदगी कोई शायद। मोड़ लेने वाली है जिंदगी कोई शायद। अब के फिर हवाओं में एक बेखरारी है। हाल खून में डूबा है, कल न जाने क्या होगा। हाल खून में डूबा है, कल न जाने क्या होगा। अब ये खौफ मुस्तकबिल ज़हन ज़हन तारी है। मेरे ही बुजुर्गों ने सर बुलंदियां बख्शी। मेरे ही बुजुर्गों ने सर बुलंदियां बख्शी। मेरे ही कबीले पर मश्क संग बारी है। मेरे ही कबीले पर मश्क संग बारी है। एक अजीब ठंडक है इसके नर्म लहजे में। एक अजीब ठंडक है इसके नर्म लहजे में। लफ्ज लफ्ज शबनम है, बात बात प्यारी है। कुछ तो पाएंगे उसकी खुरबतों का खामियाजा। कुछ तो पाएंगे उसकी खुरबतों का खामियाजा। दिल तो हो चुके टुकड़े, अफसरों की बारी है। बाप बोझ ढोता था क्या जहेज दे पाता। बाप बोझ ढोता था क्या जहेज दे पाता।
इसलिए वो शहजादी आज तक कुंवारी है। कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, कल भी जंग जारी थी अब भी जंग जारी है। गांव में मोहब्बत की रस्म है अभी मंजर, गांव में मोहब्बत की रस्म है अभी मंजर, शहर में हमारे तो जो भी है मदारी है, शहर में हमारे तो जो भी है मदारी है। जुल्फ रुख के साए में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है छांव भी हमारी है। एपिसोड 2 में आपने हिंदुस्तान के बाकमाल शायर इकबाल अशर साहब का कलाम सुना। बड़े सुलझे हुए और संजीदा शायर हैं, बड़ी उम्दा शायरी करते हैं। हमारी दारुल हुकूमत दिल्ली से ताल्लुक है उनका। जो गज़ल की रिवायतें मीर और गालिब से चली आ रही हैं उन्हें बखूबी निभा रहे हैं। मुशायरों की रौनक है इकबाल अशर साहब। एक गजल सुनिए। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर यार मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। इकबाल अशर साहब की और एक गजल जो इशारों किनारों में हालत हाजरा पर रोशनी डालती है वो सुना रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई दर्द बढ़ा दिया गया। उनकी मुराद है यही खत न हो ये तीरगी, उनकी मुराद है यही खत न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए,
फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। अहले सितम को रात फिर दावत रख्स दी गई, अहले सितम को रात फिर दावत रख्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। मुनकिर कर बला हुए दर्द में मुब्तला हुए, मुनकिर कर बला हुए दर्द में मुब्तला हुए, हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया गया, हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई दर्द बढ़ा दिया गया। मैं शायर तो नहीं पॉडकास्ट एपिसोड 3 के नौशा थे ताहिर फराज, दबिस्तान रामपुर से ताल्लुक रखते हैं जो एक स्कूल की हैसियत से भी उभरा। अपने खूबसूरत तरन्नुम और मेयारी शायरी से ताहिर फराज ने कई मुशायरे लूट लिए। कुल हिंद और आलमी मुशायरों के महबूब शायर है। एक गजल से शुरू कर रहा हूं। गम इसका कुछ नहीं है कि मैं काम आ गया, गम इसका कुछ नहीं है कि मैं काम आ गया, गम ये है खातिलों में तेरा नाम आ गया। जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया। महसूस कर रहा हूँ मैं खुशबू की बाजगश्त, महसूस कर रहा हूँ मैं खुशबू की बाजगश्त, शायद तेरे लबों पे मेरा नाम आ गया। कुछ दोस्तों ने पूछा बताओ गजल है क्या, कुछ दोस्तों ने पूछा बताओ गजल है क्या, बेसाख्ता लबों पे तेरा नाम आ गया। मैंने तो एक लाश की दी थी खबर फराज, मैंने तो एक लाश की दी थी खबर फराज, उल्टा मुझी पे कत्ल का इल्जाम आ गया। अगली जो नज्म सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है माई। ताहिर फराज कहते हैं कि वो इस नज्म को इबादत की तरह पढ़ते हैं। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, सागर की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई ओ माई। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, सागर की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवनदाई माई ओ माई। जी चाहे तेरे साथ रहूं मैं बन के तेरा हमजोली, जी चाहे तेरे साथ रहूं मैं बन के तेरा हमजोली, तेरे हाथ ना आऊं छुप जाऊं यूं खेलूं आंख मिचोली। परियों की कहानी सुना के कोई मीठी लोरी गा के, कर दे सपने सुखदाई माई ओ माई। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में
बस प्यार है सच्चा तेरा। सब दुख सुख में ढल जाएं, तेरी बाहें जो मिल जाए मुझे खुदाई माई, ओ माई। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, सर्दी से ठिठुरती जाए ठंडा बिस्तर अपनाए, मुझे देके गरम रजाई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई, ओ माई। फिर कोई शरारत हो मुझसे नाराज करूं फिर तुझको, फिर कोई शरारत हो मुझसे नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, फिर कोई शरारत हो मुझसे नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको। बचपन की प्यास बुझा दे अपने हाथों से खिला दे, पल्लू में बंधी मिठाई माई, ओ माई। बचपन की प्यास बुझा दे अपने हाथों से खिला दे, पल्लू में बंधी मिठाई माई, ओ माई। एपिसोड 4 में क्लासिकी गजल के रसिया अज़म शाकरी का कलाम सुनाया, जिन्होंने कभी गजल का दामन नहीं छोड़ा। उनका एक अलग ही अंदाज है। अज़म शाकरी कहते हैं, सब लोगों के गम एक जैसे होते हैं। अज़म शाकरी की गजलें सुनते हुए सामईन बहुत मुतासिर होते हैं और अपनी अपनी कहानी में खो जाते हैं। आलमी और कुल हिंद मुशायरों में उन्हें बड़े प्यार से सुना जाता है। एक मुख्तसर सी गजल से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। यूं पलकों पर हैं आंसू, यूं पलकों पर हैं आंसू, जैसे फूलों पर है शबनम। हम उस जंगल में हैं जहां धूप ज्यादा साए कम। अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम। लाखों सदमे ढेरों गम। अज़म शाकरी साहब की और एक गजल मुलायजा फरमाइए। तीरगी में सुबह की तनवीर बन जाएंगे हम, तीरगी में सुबह की तनवीर बन जाएंगे हम, ख्वाब तुम देखोगे और ताबीर बन जाएंगे हम। अब के ये सोचा है गर आजाद तुमने कर दिया, अब के ये सोचा है गर आजाद तुमने कर दिया, खुद ही अपने पांव की जंजीर बन जाएंगे हम। आंसुओं से लिख रहे हैं बेबसी की दास्तां, आंसुओं से लिख रहे हैं बेबसी की दास्तां, लग रहा है दर्द की तस्वीर बन जाएंगे हम। लिख न पाए जो किसी की नीम बाज आंखों का राज, लिख न पाए जो किसी की नीम बाज आंखों का राज, वो ये वादा कर रहे हैं मीर बन जाएंगे हम।
गर यूं ही बढ़ता रहा दिन रात शुगल मैं कशी, गर यूं ही बढ़ता रहा दिन रात शुगल मैं कशी, एक दिन इस मैं कदे के पीर बन जाएंगे हम। उसने भी औरों के जैसा ही किया हमसे सुलूक, उसने भी औरों के जैसा ही किया हमसे सुलूक, जो ये कहता था तेरी तकदीर बन जाएंगे हम, जो ये कहता था तेरी तकदीर बन जाएंगे हम, तीरगी में सुबह की तनवीर बन जाएंगे हम, ख्वाब तुम देखोगे और ताबीर बन जाएंगे हम। पांचवें एपिसोड में थे मेरे पसंदीदा शायर डॉक्टर नदीम शाह, जो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। बुनियादी तौर पर क्लासिकी गजल के शायर हैं। बड़ा खूबसूरत तरन्नुम है उनका। उनके कुछ अशार सुनिए। परदेस में क्या महसूस करें बारिश का मजा मिट्टी की महक, परदेस में क्या महसूस करें बारिश का मजा मिट्टी की महक, जब गांव में अपने होती है बरसात से खुशबू आती है। मुझे परदेस में रहकर बराबर याद आता है, मुझे परदेस में रहकर बराबर याद आता है, वो टूटा सही लेकिन बहुत घर याद आता है। गिला तो ये है हमारे ही इंतखाब से हैं, गिला तो ये है हमारे ही इंतखाब से हैं, हमारे शहर को मख्तल बनाने वाले लोग। नसीब देखिए कच्ची जमीन पे सोते हैं, नसीब देखिए कच्ची जमीन पे सोते हैं, हमारे वास्ते मखमल बनाने वाले लोग। अब ये भी नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, अब ये भी नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम, अब ये भी नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम, ये जिस्म कहे जाता है बस और फखत बस, ये जिस्म कहे जाता है बस और फखत बस, और जख्म कहते हैं के भरने के नहीं हम। एक गजल शुरू कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, अब लगा एक जान से नहीं दो जहां से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, अब लगा एक जान से नहीं दो जहां से अलग हो गए। ऐ वतन रह के परदेस में ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, ऐ वतन रह के परदेस में ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। दास्तान लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, दास्तान लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हम ही दास्तान से अलग हो गए, और सितम देखिए फिर हम ही दास्तान से अलग हो गए। क्या कहा आपको छोड़कर हम जिएंगे अजी छोड़िए, क्या कहा आपको छोड़कर हम जिएंगे अजी छोड़िए, क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए।
तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। एपिसोड 6, वसीम बरेलवी। जाहिद हसन वसीम, जो वसीम बरेलवी के नाम से जाने जाते हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। उनकी गजलों को कई सिंगर्स जैसे जगजीत सिंह ने गाया है, उन्हें बड़े अदब से सुना जाता है। उनके कई शेर वायरल हो चुके हैं, कई एजाजात से नवाजा जा चुका है। चंद अशार से शुरू कर रहा हूँ। उसूलों पर जहाँ आंच आए टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहाँ आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हम इसलिए नई दुनिया के साथ चल न सके, हम इसलिए नई दुनिया के साथ चल न सके, कि जैसे रंग ये बदली है हम बदल न सके। हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। बहुत ही प्यारी गजल शुरू कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया। उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई, रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई। दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया। वो मेरे सामने ही गया और मैं, वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए। और मैं था कि सच बोलता रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे। ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। उसको कांधों पे ले जा रहे हैं वसीम, उसको कांधों पे ले जा रहे हैं वसीम। और वो जीने का हक मांगता रह गया, और वो जीने का हक मांगता रह गया। वसीम बरेलवी साहब की एक गजल से दो शेर सुनिए, उसके बाद पूरी गजल सुनाऊंगा। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। एक नई गजल शुरू कर रहा हूं। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा। अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। ये एक मेला है वादा किसी से क्या लेगा, ये एक मेला है वादा किसी से क्या लेगा। ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। मैं बुझ गया
तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा। कोई चराग नहीं हूं कि फिर जला लेगा। कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा। मैं उसका हो नहीं सकता बताना देना उसे, मैं उसका हो नहीं सकता बताना देना उसे। लकीरें हाथ की अपनी वो सब जला लेगा, लकीरें हाथ की अपनी वो सब जला लेगा। हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम, हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम। मैं जानता हूं वो जब चाहेगा बुला लेगा, मैं जानता हूं वो जब चाहेगा बुला लेगा। एपिसोड 7, बशीर बद्र। बशीर बद्र साहब एक लिविंग लेजेंड हैं। बशीर बद्र साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। ही इज वेल वर्स्ड नॉट जस्ट इन उर्दू बट आल्सो इन पर्शियन, हिंदी एंड इंग्लिश। उनकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 7 बरस की कच्ची उम्र से शेर कहने शुरू किए थे। उनका बड़प्पन ये था कि भोल चाल की भाषा में, स्पोकन लैंग्वेज में शेर कहते थे। चलिए हिंदुस्तान के मकबूल शायर डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम सुनिए। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। यूं ही बेसबब न फिरा करो कोई शाम घर में रहा करो, यूं ही बेसबब न फिरा करो कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है उसे चुप के पढ़ा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे कपाक से। ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं कोई आएगा कोई जाएगा, अभी राह में कई मोड़ हैं कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। बशीर बद्र साहब की एक गजल से 3 शेर सुनिए। कभी हुस्न पर्दा नशीं भी हो जरा आशिखाना लिबास में, कभी हुस्न पर्दा नशीं भी हो जरा आशिखाना लिबास में। जो मैं बन सवर के कहीं चलूं मेरे साथ तुम भी चला करो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा की नजर का कोई असर न हो, नहीं बेहिजाब वो चांद सा
की नजर का कोई असर न हो। उसे इतनी गर्मी ये शौक से बड़ी देर तक न तका करो। ये खिजां की जर्द शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये खिजां की जर्द शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, उसे आंसुओं से हरा करो। ये तुम्हारे घर की बहार है, उसे आंसुओं से हरा करो। और एक गजल से दो शेर। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो। मुझे एक रात नवाज दे मगर इसके बाद सहर न हो। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे। तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। बशीर बद्र साहब की एक मुख्तसर सी गजल सुनिए। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दे न समंदर से हम ओस के मोती हैं, कह दे न समंदर से हम ओस के मोती हैं। दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। वो धूप के छप्पर हों या छांव की दीवारें, वो धूप के छप्पर हों या छांव की दीवारें। अब जो भी उठाएंगे मिलजुल के उठाएंगे। जब साथ न दे कोई आवाज हमें देना, जब साथ न दे कोई आवाज हमें देना। हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठाएंगे। एपिसोड 8। अहमद फराज साहब ने बहुत मकबूलियत हासिल की है। अपने दौर के बेहतरीन शायरों में से एक रहे। उन्होंने गजल को नए अंदाज दिए हैं। फराज साहब उन शायरों में से हैं जिन्हें किसी एक खित्ते में महदूद करके नहीं रखा जा सकता। He doesn't belong only to Pakistan. He has a universal appeal. दुनिया में जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है, वहां के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार और एहतराम से सुनते हैं। उनके कलाम में रुमानियत, आम इंसान का दर्द और एहतजाज झलकता है। उनके विसाल के बाद भी उनकी शायरी जिंदा है और इंशाल्लाह ता खयामत तक जिंदा रहेगी। मुंतजिर कब से तहय्युर है तेरी तखरीर का, मुंतजिर कब से तहय्युर है तेरी तखरीर का। बात कर तुझ पर गुमा होने लगा तस्वीर का। करूं ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, करूं ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे। गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे। वही इश्क जो था कभी जुनू उसे रोजगार बना दिया, वही इश्क जो था कभी जुनून उसे रोजगार बना दिया। कहीं जख्म बेच के आ गए कहीं शेर कोई सुना दिया। वही इश्क जो था कभी जुनून उसे रोजगार बना दिया। कहीं जख्म बेच के आ गए कहीं शेर कोई सुना दिया। कभी किस्सा तेरे विसाल का जो किसी से कहना न चाहिए, कभी किस्सा तेरे विसाल का जो किसी से कहना न चाहिए।
कभी दाग तेरे फिराक का सर अंजुमन दिखा दिया। फराज साहब की और एक गजल से चंद शेर सुना रहा हूं। शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही, शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं, मैंने तो सब हिसाब जां बरसरेआम रख दिया। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्म राह दुनिया ही निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ए राहत जां मुझको रुलाने के लिए आ। अब तक दिल खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। एपिसोड 9 गजल के पुजारी राजेश रेड्डी। राजेश रेड्डी इज ए कंटेम्प्रेरी उर्दू पोएट। हिज गजल्स हैव बीन संग बाय जगजीत सिंह एंड पंकज उदास। ही यूजेस ए सिंपल लैंग्वेज दैट कनेक्ट्स वेरी ईजली विथ हिज लिसनर्स। आई एम ए बिग फैन ऑफ हिज पोएट्री एंड आई एम होपिंग यू विल लाइक हिज वर्क टू। कुछ चुनिंदा अशार से शुरू कर रहा हूँ। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ये जो जिंदगी की किताब है ये किताब भी क्या किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसी सखाब है कहीं जान लेवा अजाब है, लिख लिख के आंसुओं से दीवान कर लिया है, लिख लिख के आंसुओं से दीवान कर लिया है, अपने सुखन को अपनी पहचान कर लिया है। ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ
घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जबान बाकी है। राजेश रेड्डी साहब की बहुत ही प्यारी सी गजल छेड़ रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, खुद को समेटते हैं यहां से वहां से हम। क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून, क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून। नाराज हैं जमी से, खफा आसमां से हम, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे हैं काम यकीन का गुमा से हम। लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया, लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया, कुछ और कहते रह गए अपनी जबां से हम। आईने से उलझता है जब भी हमारा अक्स, आईने से उलझता है जब भी हमारा अक्स, हट जाते हैं बचा के नजर दरमियां से हम। मिलते नहीं हैं अपनी कहानी में हम कहीं, मिलते नहीं हैं अपनी कहानी में हम कहीं, गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, मायूस हो के लौटे हैं हर एक दुकान से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, खुद को समेटते हैं यहां से वहां से हम। एपिसोड 10, खुमार बारा बंकवी। अपने दौर के बहुत बड़े शायरों में से एक रहे खुमार साहब के पुराने वीडियोस देखकर ऐसा लगता है कि गजल का शायर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। खुमार साहब क्लासिकी गजल की आबरू हैं। जिन दिनों तरक्की पसंद तहरीक अपने उरूज पे थी, तब भी खुमार साहब ने गजल का दामन नहीं छोड़ा। अपने खूबसूरत तरन्नुम से मुशायरे लूट लिया करते थे। बड़े दीगर शोहरा जैसे कि अहमद फराज, पीरजादा खासिम, जॉन एलिया और मजरू सुल्तानपुरी खुमार साहब को बड़े इज्जत और एहतराम से सुनते थे। मैं बड़े अदब से उनके कुछ अशार पेश करता हूँ, तवज्जो चाहूंगा। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। हद से बड़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, हद से बड़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ जानते नहीं। याद करने पे भी दोस्त आए न याद, याद करने पे भी दोस्त आए न याद, दोस्तों के करम याद आते रहे। रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे,
रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी है। खुमार साहब की गजल सुनिए, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। वो हैं पास और याद आने लगे हैं, वो हैं पास और याद आने लगे हैं, मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं। सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। हटाए थे जो राह से दोस्तों की, हटाए थे जो राह से दोस्तों की, वो पत्थर मेरे घर में आने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। कयामत यकीनन करीब आ गई है, कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। खुमार साहब की एक और गजल सुनिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। जलते दियों में जलते घरों जैसी जो कहां, जलते दियों में जलते घरों जैसी जो कहां, सरकार रोशनी का मजा हमसे पूछिए। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आंखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए। हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह, हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह, हंसिए मगर हंसी का मजा हमसे पूछिए। हम तौबा करके मर गए बेमौत ए खुमार, हम तौबा करके मर गए बेमौत ए खुमार, तौहीन मैं कशी का मजा हमसे पूछिए। दोस्तों, ये एपिसोड 4 फरवरी को रिलीज हो गया, शायद उस वक्त तक मैं हिंदुस्तान पहुंच जाऊंगा। शायद अगला एपिसोड टाइम पर न रिलीज कर सकूं। चंद हफ्तों के बाद बेस्ट ऑफ सीजन 1 पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में फिर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, शाद रहें, आबाद रहें।